वेलकम बैक दोस्तों। वीडियो टोटल 8 महीनों बाद बना रही हूँ मैं, और मैं कोई व्यूज बटोरने के लिए नहीं बना रही हूँ कि क्लिकबेट थंबनेल है हार्ट अटैक लिखा है, लेकिन उसको तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। बट गाइस, सिम्टम्स और जो होता है ना वो वैसे ही होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो कि मेंटल हेल्थ है, उसे एड्रेस करना चाहती हूँ। मैं जानती भी नहीं हूँ कि 8 महीने बाद कितने लोग एक्चुअली, ऑडियंस रिटेंशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, उतने लोग आकर देखेंगे या नहीं। बट अगर मैंने कहीं ना कहीं मेरी पुरानी वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट किया है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है मेंटल हेल्थ के बारे में, या फिर ये पैनिक अटैक जो होता है उसके बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। मैं तो चाहूँगी भी नहीं कि मेरे दुश्मन को, वैसे मेरे कोई दुश्मन है नहीं। सो रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे देखते हो, या फिर ऑफकोर्स मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ ही इतने टाइम तक के नहीं बनाए, इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे कि मैंने 4-5 महीनों तक लाइक लिटरली मैंने पोस्ट नहीं किया। बेसिकली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मेरे पापा को देखा होगा, मेरे पापा जो भी बीमार थे एंड काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ का मेरे अंदर ट्रॉमा बिल्डअप होते गया कि मेरे पापा इस तकलीफ में हैं। वो चीज़ मुझे हमेशा हर्ट करती थी, और जो भी दूसरे, अब मैं नहीं अकेली हूँ, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, और जो चीज़ें जो है टोटल ऐड अप करते करते ये इशू वो इशू, ऐसे 10 चीज़ें जब हम सोचते हैं ना, तब जाके एंग्जाइटी जो है हमारी लाइफ में बिल्डअप होती है। एक ही साथ नहीं आ जाती एंग्जाइटी, जो लोग एंग्जाइटी को नाम दे रखे हैं ना कि भाई ओ भाई तेरे इतने सारे मिस कॉल है मेरे को एंग्जाइटी हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्डअप होते होते आती है, और उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना कि आपको हर चीज़ से कनेक्ट करेंगे। अब एंग्जाइटी पैनिक अटैक में बहुत डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तो जैसे जब हुआ तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब डर गई थी कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या। अब हमारी आदत है कि हम छोटी से छोटी चीज़ होती है हम ज़्यादा गूगल में सर्च करते हैं कि भाई क्या हो गया है, तो सबसे जो पहली चीज़ आपको गूगल बताएगा कि आपको गैस हुआ है, दूसरी चीज़ आपको हार्ट अटैक बताएगा, तीसरी चीज़ या तो कैंसर या डेथ बताएगा। तो मैंने वो कर लिया था, मुझे हाथ में जो है ये एंग्जाइटी के कारण मुझे हाथ में जो है टिंगलिंग हो रही थी और नमनेस हो रही थी हाथ में, हल्की हल्की सी हो रही थी, लेकिन मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया कि नहीं भाई स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ये वो, और मैंने जाके सारी रिपोर्ट कराई, सारी चीज़ें नॉर्मल आई। तो मैंने सोचा कि भाई वीकनेस क्यों है, क्योंकि मैं पहले जिम करती थी सब कुछ होता था, लेकिन अब जो है एकदम बॉडी में वीकनेस हो गई, एकदम गिर पड़ रही हूँ, मतलब गिर पड़ना ऐसे लिटरली फेंट नहीं, मुझे ऐसे दिल में आता था कि नहीं बस मेरे से नहीं हो रहा जिम, अभी मैं गिर जाऊँगी। लेकिन मुझे फिर ये सब चीज़ें बाद में पता चली, और ये जो डॉक्टर के पास गई थी उसने भी कुछ ये नहीं बोला कि तुमको एंग्जाइटी हो रही है, सिर्फ ये एंग्जाइटी और इतने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, सिर्फ ये बोले कि नहीं बस आप टेंशन ले रहे हो, थोड़ा टेंशन मत लो, ठीक है कुछ हद तक के उतना तो बताया, लेकिन जो है मैंने इस चीज़ पे जो है फोकस करना छोड़ दिया। ये जो भी मुझे हो रहा था सिम्टम्स, ये जो अपने आप जो है 1-2 हफ्ते के अंदर चली गई है सिम्टम्स। उसके बाद में मेरा जो है पैनिक अटैक ट्रिगर हुआ वो एक ब्लैक कॉफ़ी की वजह से, और पैनिक अटैक को कुछ कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाती है जो किसी और वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं फ्रेंड्स लोग के साथ ही आई हैड अ ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी पीते के बाद में जब हम लिफ्ट से आ रहे थे, उतर रहे थे, आई फेल्ट वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। मैंने वीडियो में बताया भी जहाँ पे मेरे साथ एक लेओवर में सीन हो गया था, जहाँ पे होटल का लिफ्ट का दरवाजा, रूम का और बाथरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया था, तब से मुझे बहुत डर लगता है लिफ्ट या छोटी छोटी जगह पे, और वो चीज़ तभी दिमाग में आने लग गई, ब्लैक कॉफ़ी एंड दैट, एंड इट ट्रिगर्ड इनटू अ पैनिक अटैक, जहाँ पे मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लग गई एंग्जाइटी के कारण। और जब वो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, 120 तक है, तो 130 तक आप फिर भी एंग्जाइटी में काउंट कर सकते हो, बट 150 के ऊपर चले जाएगी तो इट गोज इनटू अ पैनिक अटैक, जहाँ पे आपकी बॉडी फ्लाइट या फाइट मोड में होती है, जहाँ पे आपके ब्रेन को लगता है कि कुछ फियर है। अभी हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज होने लगेगा, तो आपको लगेगा नहीं हार्ट तेज़ हो रहा है, मतलब हार्ट अटैक है, आपका ध्यान जाएगा हार्ट बीट पे, वो और तेज़ हो जाएगी, और मतलब पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा है बस खून, मतलब इट्स कॉल्ड इज एड्रेनलिन रश, और मुझे लगा कि बस अभी मैं ख़त्म, मैं हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मेरे फ्रेंड लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, मैंने कहा नहीं अब भी डॉक्टर के पास ले चलो, अभी मैं मर जाऊंगी। मैंने घर पे कॉल किया, मैंने कहा नहीं भाई मैं मरने वाली हूँ, मुझे सॉरी ये वो सॉरी बोलने लग गई मैं मम्मी को बहन को, और वो लोग इतने परेशान हो गए थे। तभी जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि मतलब तभी ECG किया तो 150 आया था मेरा हार्ट बीट्स, लेकिन फिर तब तक जब तक हम वहाँ पर ऑलरेडी मतलब वहाँ पे 5-10 मिनट हो गए डॉक्टर के यहाँ पे, तो मेरा हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो गया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है।
फिर उन्होंने बोले ठीक है अभी आपकी मर्जी, आप अभी इनकी हार्ट बीट नॉर्मल है तो आप घर जा सकते हो, आप चाहे तो एडमिट करवा सकते हो या नहीं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट डे जब मैं जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके मैंने सारे टेस्ट किए, एको और 2D किया उन्होंने, मेरी सारी चीजें लिटरली नॉर्मल थी, सारे टेस्ट नॉर्मल थे, तब भी ये क्यों हुआ। तब जो है मैंने एक जो कि एंड इट्स वेरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए कुछ सस्ते ऑल्टरनेटिव जरूर आने चाहिए इंडिया में। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि आपका पैनिक अटैक था, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप रिसेंटली कोई टेंशन ले रहे हो क्या, फिर उन्होंने बताया कि ब्लैक कॉफी से आपको ट्रिगर हो गया, जो मुझे ऑफकोर्स बाद में पता चला। एंड जब पैनिक अटैक होता है तो इट लास्ट लाइक यू नो 15 मिनट से 30 मिनट तक के। और गाइज अगर आपको पहले ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे समझ मत लो कि मेरे को यही हो रहा है। और मुझे ये लाइफ में एक बार आया है खाली, दोबारा कभी ना आया तो बेस्ट चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक आपको हो गया तो चले जाएगा, पीछा छोड़ देगा, वो रहता है आपके साथ में, उसकी साइड इफेक्ट रहते हैं कुछ एक हफ्ते तक या कुछ दिनों तक के। मुझे एटलीस्ट एक हफ्ते तक के ये फील होता था कि मतलब चीज़ें अनरियल फील होगी, जिसे DPDR कहते हैं, अगेन इट्स अ वेरी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और फटीक फील होता है वो। खैर बाकी सब बाकी चीज़ें सही हो गई। आप जो भी गॉड में जिसमें भी बिलीव करते हो, मैं अल्लाह से बहुत दुआ मांगती थी, नमाज पढ़ती रहती थी, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आपका फेथ। फिर सब सारी चीज़ें ठीक होने के बाद में मैंने बोला कि नहीं बस अब आई डोंट वांट सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक रीज़न था कि एंग्जाइटी का कारण बढ़ते गया धीरे धीरे। इंस्टाग्राम खोलो तो इट्स सब नंगा नाच है और कुछ नहीं है, एंड फेसबुक ऑफकोर्स पोकी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है फेसबुक पे, तो इसलिए इंस्टाग्राम में जो देखो वो यही अपने सारे इन्फ्लुएंसर या तो कपड़े ऑर्डर करके आपको 10-12 कपड़े दिखाएंगे, वही कपड़े रिटर्न कर देंगे, उनके कोई पैसे नहीं जा रहे, पैसे जा रहे तुम्हारे, बेवकूफ़ बन रहे हो तुम। तो भाई देखना है सोशल मीडिया पे, काम की चीज़ें देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ बनो लाइफ में। पेरेंट्स बोलते वो सही बोलते। और एंड देन प्रमोटिंग बेटिंग एप्स एंड मुझे अगर ऑफर आया भी मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैं नहीं चाहती भाई मेरी ऑडियंस को मैं दिखाऊँ कि जाओ सट्टे लगाओ। तो ये सब नेगेटिविटी देखकर कि भाई लोग ये सब प्रमोट कर रहे हैं, सट्टा प्रमोट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, वो ऑडियंस भाई जो पता नहीं एक महीने की 15-20 हज़ार भी नहीं कमाते होंगे, वो ऑडियंस को सट्टा लगाने की वीडियोज़ प्रमोट कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ये सारे रीज़न है मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ। इलॉन मस्क की वीडियो ज़रूर देखना जिसपे उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया क्विट करने के क्या फ़ायदे हैं। मैं आऊँगी धीरे धीरे वापस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्दी कॉन्टेंट लेकर ही, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट डाउन करो, अगर आपको पैनिक अटैक जैसे एपिसोड कभी हो चुके हैं तो प्लीज़ नीचे बताना। एंड दैट्स ऑल, दैट्स द रीज़न आई क्विट सोशल मीडिया, एंड आई लव यू गाइस सो मच, आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़, बाय।